दोस्तों सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स में जो मैच हुआ। पहले हॉकी की बात करी तो अब टेनिस की बात करेंगे। तो टेनिस में सर्बिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, मतलब नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पहला गोल्ड मेडल है उनका, मतलब उनके पास अगर टेनिस में कहो तो सब कुछ है उनके पास। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, यूएस ओपन देख लीजिए 10 बार जीते, विंबलडन 7 बार जीत गए हैं, फ्रेंच ओपन इतनी बार जीते हैं उन्होंने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 8 या 9 बार जीते हैं। मतलब सब कुछ है दुनिया में उनके पास, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो था गोल्ड मेडल एक ओलंपिक्स गेम में। तो आज उनका सपना पूरा हुआ है। वो सोशल मीडिया में भी काफ़ी देर पोस्ट करते रहे कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए किसी ओलंपिक्स में, तो आज फाइनली सपना पूरा हुआ है। अगर उनके सपने की बात करें तो 2008 में उन्होंने बीजिंग में एक मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज जीता था, जब उनकी शुरुआत हुई थी टेनिस करियर की। फिर उसके बाद 2012 में लंदन में नहीं जीता, 2016 में रियो में नहीं जीता, 2000 टोक्यो में बात करें 20 या 21 में वहाँ नहीं जीता मेडल। तो ये लास्ट चांस था उसके पास, क्योंकि उनकी एज भी 36-37 साल की हो गई है। तो बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सर्बिया के 2 मेडल हैं उनके पास और वो 2 के 2 गोल्ड हैं सर्बिया के पास, एक टेनिस में है और एक पता नहीं किसी में, लेकिन है। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन किनको, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को, उनका एक सपना पूरा हुआ है। अगर मैच की बात करें तो मैच बहुत ही कांटेदार हुआ। आपको पता है कि जो ओलंपिक्स में है 5 सेटर मुकाबले नहीं होते, 3 सेटर में होते हैं, और 2 सेटर में लगातार हरा दिए कार्लोस एलकरॉस को स्पेन के, जो उनके चिर प्रतिद्वंदी थे। ये मैच उन्होंने 7-6 और 7-6 से हराया, टाई ब्रेकर तक गया मैच, लेकिन नर्व्स होल्ड करके रखी नोवाक जोकोविच में। अगर हम स्पेन के कार्लोस एलकरॉस की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास पूरा नहीं हो पाया। तो इस बार वो सिल्वर मेडल जीत पाते हैं उनका, मेरे ख्याल से हाँ उनका ये डेब्यू ही था इस ओलंपिक्स गेम का, तो डेब्यू में वो जीत पाए हैं सिल्वर। तो अगर गोल्ड नहीं जीत पाए तो कुछ नहीं होता उनके पास, अभी वो मेरे ख्याल से 20-21 साल के, उनके पास बहुत टाइम है, 3-4 ओलंपिक्स है उनके पास, वहाँ पर वो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो अगला जो है ओलंपिक्स वो लॉस एंजलिस उसमें हार्ड कोर्ट यूएस ओपन में होगा, तो वहाँ पर भी उनके पास चांस है। अगर कार्लोस अल्कराज की बात करें तो वो डबल्स में भी आगे तक नहीं बढ़ पाई थी उनकी जोड़ी नडाल के साथ थी। तो इस फिलहाल यहाँ पर वो स्पेन में के लिए वो सिल्वर मेडल जीत ले है, काफ़ी है वो। लेकिन अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया मेरे ख्याल से। सिर्फ एक ही उनके कैबिनेट में ट्रॉफी नहीं थी, या फिर कह सकते हो मेडल नहीं था, वो था किसी ओलंपिक्स गेम में, और वो भी गोल्ड। तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। मेरे ख्याल से बंदे को अगर किसी चीज़ में लग जाना चाहिए तो बिल्कुल ही लग जाना चाहिए, ये उनका प्रूफ होता है। लास्ट मेडल 2008 में था बीजिंग में, अब 2000 देख लीजिए 24 हो गया है। तो इतने सालों का इंतज़ार, 16 सालों का इंतज़ार आखिरकार पूरा हुआ है। तो बहुत तगड़ा ये रहा मैच, 2 घंटे 50 मिनट तक रहा मैच, और नोवाक जोकोविच को पता था कि कार्लोस एल्कराज क्या कर सकते हैं, उनकी एजिलिटी, उनकी यू नो परफॉर्मेंस, उनके शॉट्स, लेकिन सब के सब एक्सपीरियंस के आगे नोवाक जोकोविच के धरा का धरा रह गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर्बिया और मेनली नोवाक जोकोविच को। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी खबरें लाता रहूँगा मैं। और बीच में क्रिकेट का मैच फंसा हुआ है, उसका भी रिव्यू कर लेके आएंगे, इंडिया श्रीलंका का। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।